नमस्कार भैया बहनी, अपना पंच देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन पूजा के साथ। सामाजिक कार्यकर्ता और अधिवक्ता बीके माला प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जिला में होए वाले भ्रष्टाचार के खुलासा कई के बताएं के स्वच्छ भारत मिशन के तहत ऑनलाइन जैम पोर्टल के जरिए ग्रामीण क्षेत्र खातिर 15वां वित्त के मद से ई रिक्शा के खरीदारी में घोटाला कीनगा। जोने मायो जानकारी दी के यह खरीदी सीधे महाराष्ट्र और नागपुर से कीन गए, जोने के भुगतान ग्राम पंचायत एजेंसी करी, जबकि खरीदी माँ गाड़ी आए के 6 महीने के बाद वापस हो गए। वह शासकीय अभिलेखन में ही 12 ग्राम पंचायतन में जैम पोर्टल के तहत ई रिक्शा के खरीदी कीन गए रही, जहां एक पंचायत खातिर 35 लाख रुपया के प्रोजेक्ट तैयार कीन गया रहा। एक घोटाला का अपना इतना जान के अंदाजा लगाई ली के 5,000 रुपया के डस्टबिन की खरीदारी 60,000 रुपया में कीन गए। साथ ही आरोप लगाएं के ग्राम पंचायतन का ही दबाव बनाए के इनकर भुगतान करावा जा रहा, जबकि ए वाहन के खरीदी खातिर पंचायतन के पास न तो कोनो प्रावधान आए न ही हमें के कोनो अधिकार आए मिलते हैं, इसलिए क्या महाराष्ट्र यही तो बार बार हम कह रहे हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में ई रिक्शा के क्रय नहीं किया जाता, क्या ई रिक्शा सेल नहीं किए जाते, तो आखिर कारण क्या है कि दूसरे स्टेट से जहां पर ये अधिकतर सप्लाई महाराष्ट्र से हो रही है, तो कहीं ना कहीं जिला पंचायत के वरिष्ठ अधिकारी और जिला पंचायत के शीर्ष अधिकारी इसमें शामिल हैं और साथ में जनपद पंचायत के भी अधिकारी शामिल हैं। इस प्रकरण की यदि उच्च स्तरीय जाँच हो जाएगी मध्य प्रदेश की एसटीएफ या कि माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय या कि माननीय मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश में निष्पक्षता की यदि बात हो रही है, भ्रष्टाचार मुक्त की बात हो रही है, लोकपाल की बात हो रही है, तो मैं बड़े चैलेंज के साथ कहता हूं और सफल पूर्वक कहता हूं कि इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जाँच हो जाए तो भ्रष्टाचार उजागर होगा और रीवा जिला नहीं समूचे मध्य प्रदेश में ये एजेंसियां सप्लाई कर रही और ये ग्राम पंचायतों को दबाव बनाकर भुगतान करा रही। कुछ ग्राम पंचायत ऐसे भी हैं जहां हमने पूर्व में आवेदन लगा दिया था, हमारे पास तत्कालीन अधिकार थे, हमने सूचना के अधिकार से भी आवेदन प्राप्त किए हैं, अन्य माध्यमों से हमने अभिलेख प्राप्त किए, उन अभिलेखों से पूर्णता प्रमाणित होता है कि नियम विरुद्ध तरीके से सप्लाई हो रही है और बड़े सुनियोजित तरीके से व्यापक भ्रष्टाचार इसमें किया जा रहा है। इसकी जाँच की हम बात कर रहे हैं और आपके माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास समूचे अभिलेख हैं और ग्राम पंचायतों को निशाना बनाकर व्यापक भ्रष्टाचार किया जा रहा। बुलेटिन की अगली खबर मऊगंज से रही, जहां नवयुवकन का ही खेल के आगे बढ़ावा के लाने सुखेंद्र सिंह बन्ना सील के अंतर्गत हायर सेकेंडरी स्टेडियम क्रिकेट क्लब के शुभारंभ करें। वह फाइनल मैच में विजेता टीम का ही 31,000 रुपया के आकर्षक इनाम दिन जाये तो उप विजेता का 11,000 रुपया के इनाम रखा गया है। बतावा जा रहा है कि मऊगंज विधानसभा में खेल खातिर कोनो स्टेडियम नहीं रहा, जोने के कारण खिलाड़ी का खेल खातिर परेशानी के सामना करे पड़त रहा है। वह कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष हरि नारायण गुप्ता, केशव गुप्ता के साथ है कई खेल प्रेमी उपस्थित रहे। ये हनमना का आज से नहीं वर्षों का क्रिकेट टूर्नामेंट है जो आज फिर से उद्घाटित हुआ है और इसका उद्देश्य है हनमना के आसपास ग्रामीण अंचलों के जो हमारे युवा हैं खेल के प्रति उनका एक अच्छा रुझान भी रहता है और इस टूर्नामेंट के माध्यम से उनको खेल के मैदान में के माध्यम से उनको आगे बढ़ने का विषय, इस उद्देश्य से ये टूर्नामेंट सदैव आयोजित होता है और मेरा इस आयोजन समिति से और इस खिलाड़ियों से सभी से मेरी शुभकामना है। बुलेटिन की अगली खबर गुड़ थाना क्षेत्र से रही, जहां स्कॉर्पियो और हाईवा में जोरदार टक्कर हो गए। ये घटना में ही स्कॉर्पियो सवार युवक घायल हो गए। हम अपने बताए दें कि घायलन का ही संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करावा गया है। घटना गुड़ थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 39 स्थित शराब के दुकान के सामने घटित है। अपने बताए दें कि वाहन में फंसे लोगों का निकाल के अस्पताल पहुंचावा गया है। बतावा जाता है कि तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर हाईवा से टकराए गए हैं। वहीं पुलिस मामला में जाँच कर रही है। वहाँ बुलेटिन की अगली खबर रीवा बिलवा से रही, जहां शिकायतकर्ता बताएं के उचित मूल्य के कोटेदार सत्यम सिंघरवार के द्वारा खाद्यान्न के वितरण माही धांधली की जाला ही है। शिकायतकर्ता के कहा है कोटेदार खाद्यान्न खातिर पर्ची हाथ से बनाई के देता जोने खातिर ई पॉस मशीन उपलब्ध है। वहाँ पीड़ित एकर शिकायत सिरमौर अनुभागीय अधिकारी, तहसीलदार और मुख्य कार्यपालन अधिकारी से करीम पे कोटेदार पर कोरोमेर की कार्रवाई नहीं की जाला है। एक बावजूद कोटेदार पीड़ित का ही धमकाए रहे हैं, साथ ही मां अभद्र भाषा मां उनके साथ गाली गलौज करा था, जोने के सबूत पीड़ित के पास उपलब्ध है। आई सुनाई थे पीड़ित का बताई नहीं। सिंह का निवासी हूं, मेरा नाम सत्यम सिंह परिहार है। मैं हरजन आदिवासियों के लिए मेरे गांव में सत्यम सिंह गहरवार उर्फ भोले सेल्समैन है, जो कि
खाद्यान्न में कालाबाजारी करते हैं। हमने एसडीएम साहब को 3 बार ज्ञापन दे दिया और एसडीएम साहब के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। सामने वाले व्यक्ति ने मुझे जान से मारने की धमकी दिया और माँ बहन और उल्टी सीधी गालियां का प्रयोग किया जो मेरे पास ऑडियो है। बुलेटिन की अगली खबर रही पन्ना से, जहां आज के समय में लोग संपत्ति जोड़े के लाने कोनो हद तक जा सका था, वह समाज में ऐसा कुछ लोग हैं जो उनके दूसर खातिर अपन सब कुछ न्यौछावर करे का तैयार है। यही मेर के मिसाल पन्ना में देखे का मिली, जहां एक शिक्षक सेवानिवृत्त हुए के बाद मिले वाली सलगी राशि गरीब बच्चन के शिक्षा के लाने दान कर दी। देखिए का पूरा मामला रिपोर्ट में। आप सब लोग सुन रहे हैं, हमने अपनी पत्नी से भी सहयोग मतलब अनुमति लेके, हमारे बच्चे हैं उनसे सहयोग लेके ये निर्णय लिया है कि हम अपने पूरे जीवन का जीपीएफ और ग्रेजुएटी संकुल में दान कर देंगे। और उसके द्वारा हमारे गरीबों के लिए कुछ ना कुछ, जो कुछ भी थोड़ा होगा। देखो सारे संसार का तो इस दुनिया में कोई कष्ट हर नहीं सकता, लेकिन हमें जितना भी मौका मिले अच्छा करने का तो करना चाहिए। और इसी को ध्यान में रखकर मैंने ये निर्णय लिया है कि जितना भी अपना 35-40 लाख रुपया मिलेगा संकुल में देंगे और उसके माध्यम से हमारे गरीबों तक जो सेवा पहुंचेगी करते रहेंगे। तो भैया मैंने आज के बुलेटिन में इतने, बघेली में खबर देखा के लाने देखा रही मारविंद के बघेली समाचार, साथ है चैनल का लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करी। नमस्कार।